नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों नर्वस सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका वीडियो जो है आपको चैनल पे दिख जाएगा, चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जो है वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम लोग ये जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो नर्वस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे, दूसरा एक वीडियो बनेगा इसके बाद का जिसमें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन्स क्या रहते हैं, उनका फंक्शन, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो रहता है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम रहता है ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है हमारे बॉडी का। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, मेरा मुंह बोल रहा है, आंखें, कान और ब्रेन भी अपना काम करता है कि वो मुझे थॉट्स भेज रहा है कि मैं अभी क्या बोलूं। तो ये मल्टीपल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है जो ब्रेन का, पर हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग समझेंगे कि बेसिक चीजें कि किस तरीके से जो है वो काम करता है हमारा ब्रेन जो है, किस तरीके से उसके अंदर जो प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या केमिकल चेंजेस होते हैं और क्या जो है वो अलग अलग ब्रेन के पार्ट रहते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन रहता है। तो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में हम लोग समझेंगे, इजी टू रिमेम्बर भाषा में हम लोग समझेंगे। जो डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जो लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल का मतलब क्या है, ये शब्द से ही समझ जाएंगे। सेंट्रल मतलब जो बॉडी के सेंटर में है, सेंटर में क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये ऐसा सेंटर में आ गया। पेरिफेरल जो कि सेंटर से दूर है, इधर की साइड और जो हाथ दूर है, पैर, ये सेंटर से दूर है, तो इसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी पेरिफेरल को बाजू में रखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है जिसे CNS कहा जाता है, इसके दो हिस्से रहते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेनली, और भी हिस्से रहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक कहा गया है ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इसको समझ लेते हैं, ब्रेन जो रहता है जो हमारी खोपड़ी यानी कि जो स्कल के अंदर जो पार्ट रहता है उसे सिंपल भाषा में ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन जो रहता है ये 1300 से 1400 ग्राम का इसका वजन रहता है ब्रेन का, और ये ग्रे और व्हाइट मैटर में जो है वो डिवाइडेड रहता है, मतलब अलग अलग इसके जो स्ट्रक्चर है वो ग्रे और व्हाइट मैटर में इसको डिवाइड किया गया है। इसका शेप जो है वो आपको मशरूम के जैसा दिखाई देगा, और जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, इसका क्या फंक्शनिंग रहता है, बॉडी से जो सेंसेशन आते हैं किसी बॉडी पार्ट से, जो भी सेंसेशन आया, तो ग्रे मैटर जो मैंने रेड कलर में बनाया है, ग्रे मैटर क्या करता है, उसे रिसीव करता है और स्टोर कर देता है, और जो इंपल्स है मतलब वापस क्या रिप्लाई देना है वो उसका काम रहता है ग्रे मैटर का। व्हाइट मैटर का काम क्या है, बॉडी से सेंसेशन लेके आने का, इसको देना, और ये जो मुझे इंपल्स देगा वो मुझे लेके नीचे जाने का, ये रहता है व्हाइट मैटर का काम। ठीक है, अब न्यूरॉन्स में जो अगला वीडियो बनेगा, तो न्यूरॉन्स रहते हैं जो हमारे ब्रेन्स के जो है फंक्शनल यूनिट रहते हैं। न्यूरॉन्स जो रहते हैं इसे कहा जाता है नर्व सेल्स, और सपोर्टिंग सेल्स रहती है ब्रेन में उसे कहा जाता है ग्लिया, GLIA, जिसे कहा जाता है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि उसके जो नर्व सेल्स हैं, मतलब न्यूरॉन के जो नर्व सेल्स हैं वो रहते हैं ग्रे मैटर में, ठीक है, और जो न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स हैं वो रहते हैं व्हाइट मैटर में। ये सब इजी टू रिमेम्बर है, इतना सिर्फ आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं ये ब्रेन का जो है, ब्रेन को अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग इसे नाम दिए गए हैं। एक है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम, उसके बाद है ब्रेन स्टेम, डायनसेफेलॉन, पॉन्स और मिड ब्रेन। तो ब्रेन को अलग अलग जो है ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो कि स्कल के यहाँ पे रहता है वो उसे सेरेब्रम जो है कहा जाता है। सेरेब्रम दो हिस्सों में डिवाइड है, मतलब ये एक स्फीयर जैसा है, सर्कल जैसा, जैसे हम लोग कहते हैं स्फीयर जो है उसे दो हिस्सों में ये डिवाइड रहता है, एक खाचका रहता है बीच में इस तरीके से, जिसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल फीचर। इस खाचके को कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल फीचर, मतलब जो स्फीयर है वे दो टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। अब ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है कॉर्पस कैलोजम, बीच में एक रॉड जैसा एक पाइप रहता है,
कॉर्पस कैलोजम, इसके थ्रू ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये नर्व फाइबर का एक बंडल रहता है जो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा, ये तो बीच में हो गया, इसके अलावा जो ब्रेन ऊपर से लेकर नीचे तक जो छोटे छोटे कमिश्चर्स रहते हैं, जिसके द्वारा दोनों सेरेब्रम जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। जब अखरोट जो रहता है, तो अखरोट को अगर आप साबित तोड़ दोगे, पूरा जो उसका जो छिलका रहता है उसको अच्छे से निकाल के उसे अखरोट अगर देखोगे, तो उसको अगर प्रॉपर हाथ में अगर आप देखोगे तो पूरा वो स्कल के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसका डिजाइन जो है वो हमें दिखाता है। अब सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जहां पे उसकी पोजिशनिंग होती है स्कल के अंदर। स्कल की अलग अलग नाम रहते हैं, जो बोन्स रहते हैं उसके अलग अलग नाम रहते हैं। स्कल के ऊपर भी एक वीडियो बना है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने। तो स्कल की जो अलग अलग पोजिशनिंग पे नाम रहते हैं, जैसे ये फ्रंट वाला ये पोर्शन रहता है, इसे कहा जाता है फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे जो ब्रेन का सेरेब्रम का हिस्सा रहता है उसे कहा जाता है फ्रंटल लोब। इसे कहा जाता है टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे जो हिस्सा रहेगा सेरेब्रम का उसे कहा जाएगा टेम्पोरल लोब। इसे कहा जाता है पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन के यहाँ पे जो सेरेब्रम का हिस्सा रहेगा उसे कहा जाएगा पैराइटल लोब। इसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पे जो ब्रेन का हिस्सा रहेगा उसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल लोब। तो इस तरीके से उसे सेरेब्रम को नाम दिया गया है। उसके बाद आते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ दिखा है, यहाँ जो पीछे एक फिल्म में किसी कलाकार ने कहा था कि इधर मारने का नहीं, इधर मारने से आदमी मर जाता है। तो स्टडीज जो कहती हैं, जो रिसर्च कहती है कि ये जो सेरेबेलम है, अभी भी कई स्टडीज जो है ब्रेन पे चालू है, सेरेबेलम जो है ये मोटार एक्टिविटीज जो है हमारे बॉडी की और जो बॉडी का पोस्चर है उससे मेंटेन करने का काम ये सेरेबेलम करता है। जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो ये मोटार एक्टिविटी, मेरा पोस्चर है, इसे मेंटेन करने का काम ये सेरेबेलम करता है। तो इसे अगर कुछ नुकसान होता है तो बॉडी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए एक फिल्म में इसे, एक मजाक में इसे कहा गया है कि इधर मारने का नहीं तो आदमी मर जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक यहां पे छोटा सा हिस्सा रहता है 1 इंच का, जिसे मेड्यूला ओब्लोंगाटा कहा जाता है, और ये जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, कनेक्शन करने का इसका मेन जो है वो काम रहता है। उसके बाद देखते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या रहता है, ये सेंटर में रहता है, दोनों जो सेरेब्रम रहते हैं उसके सेंटर में एक ये डायनसेफेलॉन रहता है। डायनसेफेलॉन को दो कैटेगराइज किया गया है दो चीजों में, एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस भी लेफ्ट थैलेमस और राइट थैलेमस रहता है, मतलब जो लेफ्ट साइड का जो सेरेब्रम रहता है वहां पे जो थैलेमस रहता है उसे लेफ्ट थैलेमस कहा जाता है, राइट साइड में जो थैलेमस रहता है उसे राइट थैलेमस कहा जाता है, जो राइट हेमिस्फीयर जो रहता है वहां रहता है। तो इस तरीके से, और उसके नीचे एक छोटा सा हाइपोथैलेमस रहता है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लटकती रहती है। तो ऊपर आप ब्रेन उठाएंगे तो नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से लटकती हुई दिखाई देगी, तो वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डायनसेफेलॉन कहा जाता है। एक रहता है यहाँ पे मिड ब्रेन और दूसरा है यहाँ पे पॉन्स। मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन ब्रेन के हायर सेंटर और लोअर सेंटर को एक कंडक्शन पाथवे देता है। पॉन्स का काम क्या है, वो ब्रेन के हायर सेंटर और ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला ओब्लोंगाटा को एक कंडक्शन पाथवे जो है वो देने का यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे सेरेब्रम का एक और पॉइंट रह गया कि सेरेब्रम जो रहता है, जो राइट साइड का जो हेमिस्फीयर रहता है वो मेरी लेफ्ट बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का जो हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। बीच में इस तरीके से जो तार है वो इस तरीके से क्रॉस रहते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति का लेफ्ट साइड अगर पैरालिसिस हुआ है तो मतलब उसका राइट साइड का जो ब्रेन रहेगा, हेमिस्फीयर जो रहेगा सेरेब्रम का, वो डैमेज हुआ होगा। उसी तरह राइट साइड किसी का पैरालिसिस हुआ होगा तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो डैमेज हुआ होगा। इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है। यहां तक हमने ब्रेन के बारे में पूरा और उसके बारे में जो अलग अलग पार्ट थे वो हमने यहाँ पे समझ लिए हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि ब्रेन से निकलती है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जाती है। ब्रेन से यहां से निकलती है, नीचे एक ओपनिंग रहती है फोरामेन जिसे कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वर्टेब्रा, 33 वर्टेब्रीज रहती है। वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर भी थ्योरेटिकल वीडियो बना लिया हूं मैंने, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियरेंस उसका वीडियो जल्दी आएगा।
तो फोरामेंस रहते हैं। एक सिंपल एक डायग्राम बना देता हूं एक वर्टेब्री का, ये इस तरीके से रहता है फोरामेन। तो ऐसे जो एक के ऊपर जो बनती है तो तब जाके वो वर्टेब्रल कॉलम बनती है। तो ये जो फोरामेन है यहां से स्पाइनल कॉर्ड जाती है इसके बीच में, यहां पे एक छोटे छोटे एक फीचर रहते हैं, वो बताता हूं किस तरीके वो किस काम के लिए रहते हैं। तो यहां से जाती है, इसका 35 से 40 ग्राम का वेट रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। लेडीज में यानी कि फीमेल में अबाउट 43 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, पुरुषों में 45 अबाउट सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई मानी जाती है। तो ये यहां से जाती है और स्पाइनल कॉर्ड्स के जो रहते हैं इसमें एक सेगमेंट रहते हैं, 31 पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स रहते हैं। मतलब क्या, जैसे कि यहां से एक नर्व निकलती है, बंडल ऑफ नर्व निकलता है जो कि मोटर और सेंसरी नर्व रहता है। मोटर और सेंसरी नर्व आगे समझाता हूं, सिर्फ टर्म याद रखिए। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व यहां से निकलती है जिस बॉडी का, मान लीजिए लंबर वर्टेब्रा है तो वहां से निकलेगी और वहां के पोर्शन को कमर के साइड में वो नर्व्स जाएंगी। तो यहां से एक बंडल निकलता है, तो ये वर्टेब्रा के एक फीशर फोरामेन छोटा सा रहता है, वहां से निकलती है और बॉडी के उस हिस्से में जाके वो नर्व्स जाती है। तो इस हिस्से को कहा जाता है सेगमेंट, नर्व सेगमेंट। तो ऐसे एक पेयर हो गई, यहां से भी निकलेगी यहां से भी निकलेगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो ऐसे 31 सेगमेंट रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि सेंसेशन लेके आने का और इम्पल्स जो है देने का काम पूरे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे करती रहती हैं। हर एक हिस्से से जो सेंसेशन और इम्पल्स लेके आने का काम ये करती हैं। अब मोटर और सेंसरी नर्व क्या है, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये जो है मेरा इस तरीके से मूवमेंट, इसे कहा जाता है मोटर नर्व के बेसिस पे जो सेंसेशन आते हैं, हाथ पे टच किया सेंसेस आया, नाक से सेंसेशन आया, इसे कहा जाता है सेंसरी नर्व। तो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व में सिर्फ इतना फर्क रहता है सिंपल भाषा में। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का हो गया। अब देख लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दो हिस्से होते हैं, मेनिंजस और सीएसएफ। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि हमारे बॉडी का जो पूरा जो मेंटेनेंस रहता है वो ब्लड के थ्रू होता है, ब्रेन को भी ब्लड जाता है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो काम करता है। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, नरिशमेंट का भी काम करता है। किसी तरीके की किसी को मानसिक तकलीफ होती है, ब्रेन से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, तो लंबर वर्टेब्रा रहती है यहाँ पे, जो कमर के यहाँ पे जो वर्टेब्री रहती है, वर्टेब्रल कॉलम, वहां से एक इंजेक्शन, बड़ी इंजेक्शन डाल के ये स्पाइनल कॉर्ड से ये फ्लूइड निकाला जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उससे पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है कि इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में क्या माल फंक्शनिंग है, क्या इम्बेलेंस है, वो ये बताता है फ्लूइड। ये टेस्टिंग होती है पैथोलॉजिकल में। तो ये भाई साहब जो है ये पूरा ब्रेन के अंदर क्या स्ट्रक्चर चलता है ये पूरा घूमते रहते हैं, तो ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या तकलीफ है, वहां पे क्या तकलीफ है, खबरी भाई है ये, ठीक है। उसके बाद है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, लेयर है, मतलब ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, इसको एक लेयर हो गई, ये हो गया ब्रेन, इसको एक लेयर हो गई। तो ये मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड पूरा इस तरीके से एक कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस। इसके तीन लेयर्स के पार्ट रहते हैं, डिटेल में अलग से वीडियो बनेगा मेनिंजेस पे, उस पर बात करेंगे। मेनिंजेस के तीन लेयर्स रहती हैं, बाहर की जो लेयर रहती है उसे कहा जाता है ड्यूरा मैटर, उस बीच की जो रहती है उसे कहा जाता है एरेक्नॉइड जो मैटर कहा जाता है, तो जो तीसरी लेयर रहती है उसे कहा जाता है पाया मैटर। तो इस तरीके से लेयर रहती है। मेनिंजेस का काम क्या है, इसका भी काम जो है प्रोटेक्शन और एक कुशन प्रोवाइड कर, जैसे कि कोई व्यक्ति गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं तो झटका लगता है ब्रेन को, तो वो जो कुशन का काम करता है और एक प्रोटेक्शन का, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या किस तरीके की कोई इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन को ना हो जिससे ब्रेन में डैमेजेस हो जाएं। तो ये काम ये मेनिंजेस करते हैं, और मेनली जो इसका प्रॉपर काम जो रहता है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन, एक कुशन देने का काम करता है, जब कोई झटका लगता है या गिर जाता है तो एक कुशन प्रोवाइड करने का जो मेनली काम रहता है ये मेनिंजेस का रहता है। सिंपल भाषा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस इसे कहा जाता है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या रहता है, ये जो पेरिफेरल पार्ट्स रहते हैं जैसे कि पैर की उंगली हो गई, नीचे हाथ का एक सेंसेशन हो गया, यहां से जो दूर रहते हैं वो ब्रेन से जो दूर है हिस्से, वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो, मतलब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके आती है और लेके जाती है। मतलब क्या, उदाहरण देखो, गर्म तवा है, हाथ रखा, सेंसेशन गया ब्रेन की तरफ, ब्रेन ने बोला हाथ हटाओ, हटा दिया। तो ये जो मसल के जो इम्पल्स प्रोवाइड करती है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, एक सेकंड से भी कम समय लगता है, लगा हमने हटा दिया।
तो ये होता है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वो काम करती है। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसे भी तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जो भी ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि दिल अभी धड़क रहा है मेरा, हार्ट्स लंग्स जो अलग अलग जो है वो काम कर रहे हैं, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, तो मैं तो उसे बोल नहीं रहा हूं पर वो अंदर अपना अपना काम जो है वो करते जा रहे हैं, तो ये किसके बेसिस पे करते हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो ये इसके जो नर्वस सिस्टम है ये उन्हें अपना जो इम्पल्स सेंसेशन जो है अंदर से ऑटोमेटिकली करता रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो ग्लैंड्स रहती हैं अलग अलग, थायराइड ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, गोनेड्स के जो ग्लैंड्स होती हैं, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और जो अलग अलग ग्लैंड्स रहती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं या फिर किस तरीके को केमिकल मैसेंजर जो है हमारे बॉडी में रिलीज करती हैं, तो कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, कब क्या चेंजेस रहेगा, वो कौन करता है, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल की जाती है, पूरी जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक तरीके से कवर करता है। तीसरा आता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये मेनली जो एंट्रिक मतलब यहां से इस पोर्शन पे डाइजेस्टिव रीजन का जो पार्ट रहता है, जो स्टमक एरिया रहता है पूरा एंट्रिक पार्ट रहता है, वहां पे जो नर्व्स रहती हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि पहले का जो टॉपिक मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मल्टीपल फंक्शंस होते हैं खाना पचाने के लिए, तो उसके लिए भी मल्टीपल नर्व्स की जरूरत रहती है। तो यहां पे सबसे ज्यादा नर्व्स रहती हैं, लगभग 100 मिलियन नर्व्स जो रहती हैं वो इस पोर्शन पे रहती हैं, एब्डोमेन के नीचे और एंट्रिक पोर्शन पे, वो टोटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आती हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था, अगला टॉपिक नर्व्स के ऊपर रहने वाला है, जो न्यूरॉन्स के ऊपर रहने वाला है, न्यूरोग्लिया के ऊपर रहने वाला है, जिसमें पूरा टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं कि नर्व्स और न्यूरोग्लिया किस तरीके से रहते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।